ये भी बता दूंगा मैं। हाँ पूर्वांचल के हैं ये, बिल्कुल पता चल गया था जी। जी हाँ जी, मैं तो जबलपुर की हूँ। नहीं नहीं बाप, बड़ी लड़ाका हो तुम। मैं जबलपुर की हूँ। हाँ तो ठीक तो है, बहुत अच्छी बात है जी। मैं कहना चाहता हूँ कि आज देश के अंदर जो कांग्रेस की स्थिति है वो इसलिए है कि अगर हम अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते संस्कार देते, अच्छे संस्कार देते हैं, गलत रास्ते पर जाता है तरत उनको डांटते हैं, दंडित करते हैं। अगर जिस दिन संविधान से पास अध्यादेश को राहुल गांधी ने स्टेज से फाड़ा था, उसी दिन उसको 6 साल के लिए अगर बाहर निकाल देते तो आज कांग्रेस की ये स्थिति देश के अंदर नहीं होती। एक परिवार के पीछे अगर भागते रहोगे तो देश को कछु नहीं दे पाओगे। वैसे तो मैंने पहले कहा था कि जनता के बीच में ही रहेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस के प्रवक्ता रिस्पॉन्ड करना चाहें तो उनको आजादी है, वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मैं जनता से पूछ ही रहा हूँ जी। बोलो, तुमसे पूछ चुका हूँ, एक बार पूछ ले, 5 साल बाद आऊंगा जी। मेरा नाम प्राचीम सिंह है, मैं जबलपुर से हूँ। मेरा सवाल बीजेपी से है कि इतने सालों से, 2 दशक से सांसद जी हैं, वो जबलपुर स्मार्ट सिटी के तर्ज पे आया तो 5 स्मार्ट मोहल्ले बता दे जो जहाँ पे जल प्रलाबन नहीं होता हो। 5 स्मार्ट मोहल्ले बता दें जहाँ जल जो है जमा नहीं होता। जी जी बोलिए। पार्किंग की मेरी समस्या है, यहाँ आप खड़े हुए हैं, आपकी लाइट के कारण बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आपके कारण भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है 7 पार्किंग थी पूरे सिविक सेंटर में। दिग्विजय सिंह ने सामने एक द्वारका होटल है उसकी ओपनिंग की, उसके बाद से जबलपुर में प्रगति में ग्रहण लग गया। सारे कांग्रेसी नेता, किसी ने नहीं बोला, आज तक नहीं बोला और हमें लग रहा आगे भी नहीं बोलेंगे। शर्म की बात है, नगर विकास में हमारा ना तो पार्टी से नाता होना चाहिए, ना मैं भाजपा का हूँ, ना मैं कांग्रेस का हूँ, ना मैं आप पार्टी के तो बोल नहीं सकता हूँ। पीछे उसके पीछे ना तो कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड जी, कांग्रेस एंड द बीजेपी बोलना चाहेंगे इस पर। दादा चिल्ला ज्यादा रहे थे, समझ नहीं। पार्किंग के लिए बोल रहे थे, पार्किंग। पार्किंग व्यवस्था, अरे भाई हो सकता ना, सुन पहले, सुन लिया, सुन लिया, बैठिए मैं बता देता हूँ। पार्किंग के लिए बोल रहे, देखिए प्रतीक जी, इस 18.5 साल में इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, नगर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रहीं। जिस स्मार्ट सिटी की बात आज पीछे से हमारा एक भाई कर रहा था, उस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को चलते हुए जिसमें सबसे पहली प्राथमिकता एक मिनट वहीं आ रहा हूँ, थोड़ा पीछे से आना पड़ेगा। उसमें जो पार्किंग व्यवस्था थी, ये मैं समझता हूँ इसका बेहतर जवाब शशिकांत जी दे सकते हैं। और दादा की जानकारी में देना चाहता हूं, इनके साथ मिलकर मैंने खुद पार्किंग व्यवस्था की लड़ाई लड़ी है। इनको ये काम करना था, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को जिस तरीके से उस पैसे की बंदर बांट करी गई है, जिस तरीके से उस राशि को पलीता लगाया गया है, उसी का खामियाजा है कि आज मिश्रा जी आपसे सवाल जी, जी। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, झूठ बोलना और भ्रम फैलाना ये कांग्रेस का काम है। फिर ये कह रहे हैं, फिर ये इसी अभी आपने कहा कि स्मार्ट सिटी के पैसे की बंदर बांट हो रही, सुनिए बात सुनिए, स्मार्ट सिटी के पैसे की बंदर बांट हो रही, किसी की जेब में पैसा आता है? और सरकार का पैसा है, प्रोसीडिंग से खर्च होता है, सेंक्शन होता है, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, ये सिवाय देखिए राफेल में इनके नेता झूठे आरोप लगाते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नए चौप झूठे आरोप नहीं लगाओगे, और ये भी झूठे आरोप लगा रहे। मैं आया जी, जी जनाब। भैया जी, जिस तरह से बीजेपी ने प्रलोभन दिया स्मार्ट सिटी का 2019 में, मैं बताना चाहूंगा स्मार्ट सिटी दिख ही नहीं रही है बीजेपी में, कि मतलब यहाँ पर जबलपुर में कि कहाँ पर है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी का लक्षण तो दिखना चाहिए, कुछ ऐसा चीज दिखना चाहिए जिससे लगे कि आपका देश जो है ये मतलब जबलपुर स्मार्ट सिटी के मतलब जा रहा है। नहीं आराम से बोले दीजिए। सैनिक का जवान हूँ सर, सैनिक होता है देश का होता है, ना कि किसी पार्टी का होता है। जो कार्य प्रगति पकड़ा है, अगर किसी ने वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ, और जनता के बीच में हम जहाँ जहाँ देश में गए हैं, अगर बोला वो 10 साल को सरकार को अगर दे दिया होता अटल बिहारी, कांग्रेस को ना दिया होता, देश आज मोदी जो तरक्की कर रहा है और भी तरक्की होता, जो काम होता हमारे देश का। और जो काम कांग्रेस के समय में हमें खोखे का हिसाब देता था राउंड का, आज वो भारतीय जनता शिस्त फायर होता था, गोला ताकते हैं, तो आज भी मतलब हम लोग को जो सुविधाएं दी है अटल जी ने, फेंसिंग बनाया आज।